This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. आपके पास आपका आईपी एड्रेस है, यूजर नेम है और पासवर्ड है, या आप कहीं भी किसी को भी भेज दो, वो आपकी इस फ्री RDP को इजीली लॉगिन कर लेगा। ठीक है, आपको कंप्लीट एडमिन एक्सेस भी मिल चुकी है इस फ्री RDP की। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने इस RDP में खुद ही 16GB रैम सेलेक्ट की थी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 16GB रैम हमें मिल चुकी है, विंडो का सर्वर हमें मिल चुका है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रोम के सेटअप को डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब कि आप अपनी मर्जी से भी इसके अंदर कोई सा भी सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप 1.2/7 3GB तक इंटरनेट स्पीड चली गई है। भाई गूगल क्लाउड की तरफ से ये फ्री RDP है, इंटरनेट के वाले से तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फ्री RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा जो कि टोटली कस्टम होगी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कस्टम फ्री RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा जिसमें रैम आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करोगे, स्टोरेज आप अपनी मर्जी से उसमें एडजस्ट करोगे, उसके अलावा सर्वर आप अपनी मर्जी से उसमें एडजस्ट करोगे, विंडो लेना चाहो, डेमन लेना चाहो, लिनक्स लेना चाहो, वो सब आप अपनी मर्जी से उसके अंदर एडजस्ट करोगे। उसके अलावा आपको फुल एडमिन एक्सेस मिलने वाली है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फ्री कस्टम RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा। और आज की फ्री RDP हम गूगल क्लाउड के थ्रू बनाएंगे। बेसिकली मैं आपको पहले गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट का एक अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा, उसमें आपने किस तरह फ्री क्रेडिट लेने हैं वो आपको सिखाऊंगा, फिर उन क्रेडिट को यूज करके कैसे ये कस्टम फ्री RDP क्रिएट करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक आपने लाजमी से देख लेना है विदाउट स्किप किए। और अगर आप लोग ChatGPT 5 जो कि लेटेस्ट वर्जन है इस टाइम ChatGPT का, वो वर्जन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हो और आप कोई ऐसा मेथड देख रहे हो जो कि 100% ऑफिशियल हो, लीगल और एथिकल हो, तो आप हमारी ये वीडियो जाकर लाजमी से देख लेना। इसमें मैंने आपको एक कमाल का तरीका बताया जो कि 100% ऑफिशियल है और लीगल है, तो आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी से जाकर देखनी है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, आज के मेथड की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है। उस ब्राउजर में आपका जीमेल का अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद सिंपल आपने गूगल में आना है। गूगल में आकर आपने सर्च करना है गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट। यहाँ पर ये मुझे मिल चुका है, सिंपल मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके सामने ये सेकंड जो वेबसाइट है, आपने सिंपल इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। अब आपने सिंपल यहाँ पर क्रिएट अकाउंट विद गूगल पर क्लिक करना है और आपके जो ब्राउजर के अंदर आपका ईमेल होगा वो यहाँ पर आपके सामने शो कर दिया जाएगा। अब आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है एक बार और यहाँ से आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर गलती हुई तो भाई आपको यहाँ पर फ्री क्रेडिट नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो आपने वो वाली डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जिसमें आपकी एज 18 इयर्स ओल्ड हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, बस आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। मैं यहाँ पर अपनी कुछ रैंडम लिख लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद सिंपल यहाँ से हमने कैप्चा को फिल करना है, तो यहाँ पर मेरा कैप्चा सॉल्व हो चुका है। अब सिंपल हमने क्या करना है, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और ये आपको न्यू पेज पर ले जाएगा। जैसे आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ और यहाँ पर आपके सामने शो होगा, तो सिंपल आपने ये डैशबोर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, आपने इस पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह का आपके सामने फिर पॉपअप ओपन हो जाएगा, आपने नेक्स्ट पर क्लिक करते रहना है यहाँ से और आपने गॉट इट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है गूगल क्लाउड विद 35 फ्री क्रेडिट स्किल बूस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने ज्वाइन पर क्लिक करना है। बड़े ध्यान से आपने यहाँ पर वीडियो देखनी है। अगेन आपने यहाँ पर अपने ईमेल को सिलेक्ट करना है और ये आपको एक और फॉर्म के ऊपर ले जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पर एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से देखें आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पर एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपने सिटी अपनी रियल लिख देनी है जहाँ पर आप बैठे इस टाइम इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, ये आपने राइट लिखनी है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है थर्ड वाले ऑप्शन पर, और ये वाला ऑप्शनल है, ये आप करें या ना करें कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने सिंपल इस बॉक्स को चेक करना है, नीचे आना है और आपने यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके सामने ये लोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने चंद सेकंड यहाँ पर वेट करना है। देखें आपको यहाँ पर 35 फ्री क्रेडिट मिल चुके हैं। अब इन क्रेडिट को यूज करके हम फ्री RDP क्रिएट करेंगे, तो सिंपल हम स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करते हैं और अपने प्रोफाइल पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर हमें जो फ्री क्रेडिट है वो यहाँ पर मिल चुके हैं। अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं फ्री RDP। अब फ्री RDP कैसे बनेगी, सिंपल आपने सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है वर्चुअल मशीन। ठीक है, VIRT लिखोगे ना तो यहाँ पर आपके सामने देखें ये वर्चुअल मशीन लिखा हुआ नजर आ गया। आपने सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना है तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर। अब आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको ये वाली लैब देखने को मिलेगी। सिंपल आपने इस पर एक बार क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, स्टार्ट लैब पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कैप्चा को फिल कर लेना एक बार।
कैप्चा को मैंने सॉल्व कर लिया। अब आपने क्या करना है, लॉन्च विद 5 क्रेडिट पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका टाइमर है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ओपन गूगल क्लाउड कंसोल, इस पर राइट क्लिक करना है और इसको न्यू टैब में आपने ओपन कर लेना है और साथ ही आपने यहाँ से पासवर्ड को भी कॉपी कर लेना है, हो सकता है इसकी जरूरत पड़े तो। आपने सिंपल न्यू टैब में आना है जो आपने अभी खोला है, उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आई अंडरस्टैंड इट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इसको नो थैंक्स कर दे क्योंकि ये अपनी एक न्यू प्रोफाइल जनरेट कर लेगा। वरना अब आपके सामने यहाँ पर गूगल क्लाउड कंसोल का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और ये आपके सामने एक पॉपअप सा ओपन होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ इन दोनों को चेक करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके सामने ये वाला जो पेज है गूगल क्लाउड कंसोल का वो ओपन हो चुका है। अब हम अपनी कस्टम आरडीपी क्रिएट करने लगे हैं, हमारा जो अकाउंट वगैरह था वो क्रिएट हो चुका है। अब आरडीपी बनाने के लिए आपने सिंपल कंप्यूट इंजन पर आना है, जैसे आप माउस लाओगे तो आपके सामने ये वाली जो पेज है वो ओपन होगा। अब आपने यहाँ पर VM इंस्टेंस पर क्लिक करना है। ठीक हो गया, जैसे आप VM इंस्टेंस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, आपने क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। अब हम अपनी RDP की जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये कस्टम RDP होगी, वो हम खुद सिलेक्ट करने लगे हैं। तो उसके लिए इसको पकड़ कर हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पर आपको एक प्रीसेट मिल जाता है और एक कस्टम मिल जाता है। अब प्रीसेट पे रहते हुए हमने क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर आना है। अब यहाँ पर देखें आपको डिफरेंट जो CPUs हैं वो और RAM जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 8GB मेमोरी भी है, 16GB भी है, 32GB भी है, 64GB भी है और 128GB तक की आपको यहाँ पर RAM की स्पोर्टेज देखने को मिलती है। तो मैं तो यहाँ पर भाई आपको 16GB RAM वाली ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ चलती है। तो आज भी हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर OS एंड स्टोरेज पर आना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने चेंज पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका सर्वर है, उसको भी अपनी मर्जी से ही सिलेक्ट करोगे। आपने इस पर क्लिक करना है, आप जितने भी यहाँ पर सिस्टम चल रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। डेबन है, लिनक्स है, उबंटू है और विंडो है। तो यहाँ पर मैं विंडो सिलेक्ट करूंगा, हम विंडो की RDP बनाने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो आपकी स्टोरेज होगी, मेमोरी होगी, उसको भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरे लिए 50GB इनफ है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको इतने रख के यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर आना है, डाटा एंड प्रोडक्शन, उसके नीचे आपको नेटवर्किंग मिलेगा। अब आपने नेटवर्किंग में आकर सिंपल ये तीनों बॉक्स को चेक कर लेना है। ठीक है, चेक करने के बाद आपने एडवांस में आना है और यहाँ पर आकर आपने सिंपल क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, अब आपका जो सर्वर है वो यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो आपने अभी कस्टम RDP फ्री कस्टम RDP क्रिएट किया वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने चंद सेकंड या चंद मिनट के लिए वेट करना है, अभी आपका जो सर्वर है वो यहाँ पर क्रिएट होकर रेडी हो जाएगा। इतना जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। जब आप ये RDP बना लो तो आपने लाजमी से डन का कमेंट लाजमी करना है। अब हम चंद सेकंड वेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो RDP वो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है, अगर अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका जो पासवर्ड होगा उसमें एरर आएगा, मतलब कि अभी ये बैकएंड पर सही तरीके से क्रिएट नहीं हुई। जब आपके सामने ये RDP हो जाए फिर भी आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको देना है ताकि ये प्रॉपरली रेडी हो जाए। तो हम चंद सेकंड तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए मजीद वेट करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं, अब हम अपनी RDP को कनेक्ट करेंगे। RDP को कनेक्ट कैसे करना है ये देखें, आपके सामने RDP लिखा हुआ है, उसके साथ एक छोटा सा एरो है, आपने इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले तो आपने RDP फाइल डाउनलोड कर लेनी है यहाँ पर, ताकि आपको जो आपका यूजर नेम और IP एड्रेस है उसको देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसी एरो पर क्लिक करना है, सेट विंडोज पासवर्ड पर आपने क्लिक करना है, ये आपका यूजर नेम आ जाएगा। अगर आप इसको फाइल डाउनलोड ना करें, इसको इस तरह ही लॉगिन करना चाहें, तो यहाँ पर आपके सामने आपका यूजर नेम है। पासवर्ड के लिए आपने सेट पर क्लिक करना है और आपने चंद सेकंड के लिए वेट करना है। यहाँ पर ये मुझे पासवर्ड मिल चुका है, अब सिंपल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो फाइल हमने डाउनलोड की थी अपनी RDP की, उस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा और इस बॉक्स को मैं चेक करके यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, हमें यूजर नेम और IP एड्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने फाइल डाउनलोड कर ली थी। तो यहाँ पर सिंपल मैं Ctrl+V करके, ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया अपना पासवर्ड। अब सिंपल मैं ओके पर क्लिक करूंगा और चंद सेकंड के लिए वेट करूंगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारी जो RDP है उसका ऑप्शन आ चुका है। सिंपल इस बॉक्स को भी मैं चेक करूंगा, यहाँ से सिंपल हमें यस पर क्लिक कर दूंगा। आपके पास आपका IP एड्रेस है, यूजर नेम है और पासवर्ड है, या आप कहीं भी किसी को भी भेज दो, वो आपकी इस फ्री RDP को इजीली लॉगिन कर लेगा। ठीक है, आपको कंप्लीट एडमिन एक्सेस भी मिल चुकी है इस फ्री RDP की, आप जहां चाहे इसको लॉगिन कर सकते हो। अब यहां पर देखें आपके सामने जो आपकी कस्टम फ्री RDP है वो लॉगिन हो रही है। तो चंद सेकंड हम यहां पर वेट कर लेंगे।
ऑलराइट, यहाँ पर हमारी जो RDP है वो प्रॉपरली ओपन हो चुकी है। आपके सामने भी कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, आपने सिंपल इसको क्रॉस कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इस टाइम हमें विंडो 11 की फ्री RDP देखने को मिली है। सबसे पहले मैं आपको इस फ्री RDP की स्पेसिफिकेशन चेक करवा देता हूँ, उसके लिए सिंपल हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ हम आ जाएंगे लास्ट में अबाउट में, ठीक है। यहाँ पर आपको अबाउट मिल रहा है, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने इस RDP में खुद ही 16GB रैम सेलेक्ट की थी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 16GB रैम हमें मिल चुकी है, विंडो का सर्वर हमें मिल चुका है और यहाँ पर देख पा रहे हो जो प्रोसेसर है वो इंटेल का है, ठीक हो गया। मतलब कि जो हमने अपनी RDP क्रिएट करते वक्त रखी थी वो सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। अब मेमोरी की बात करें तो हम चलते हैं फाइल मैनेजर में और यहाँ से दिस PC में आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 50GB की आपको मेमोरी मिल चुकी है जो हमने वहाँ पर सिलेक्ट की थी खुद ही, ठीक है। आप बढ़ाना चाहो तो अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हो, तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब सबसे पहले तो आपने इसके अंदर अपने ब्राउजर इंस्टॉल करने हैं खुद ही, तो ब्राउजर इंस्टॉल के लिए हम सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करते हैं, फिर हम इसके अंदर क्रोम वगैरह इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ से सिंपल मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं बंद कर दूंगा पिछले वालों को। अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं क्रोम डाउनलोड, यहाँ पर मुझे क्रोम डाउनलोड मिल चुका है, सिंपल इस पर एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम क्या करेंगे क्रोम के सेटअप को डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब कि आप अपनी मर्जी से भी इसके अंदर कोई सा भी सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड क्रोम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो क्रोम का सेटअप है वो आ चुका है, इस पर एक बार क्लिक करूंगा और यहाँ से हम सिंपल यस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो क्रोम है वो आपके सामने यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपल यहाँ से मैं इस ब्राउजर को बंद करूंगा, अब क्रोम इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारा जो क्रोम ब्राउजर है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ से मैं सिंपल डोंट साइन इन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से हम इसको स्किप करेंगे एंड यहाँ पर हम गॉट इट पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो ब्राउजर है वो यहाँ पर रेडी टू यूज है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस फ्री RDP की लोकेशन चेक करवा देता हूँ कि हमें इस फ्री कस्टम RDP में कौन सी लोकेशन देखने को मिली है। तो सिंपल हम यहाँ पर माई IP एड्रेस लोकेशन सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर मुझे मिल चुका है, सिंपल इसको मैं सर्च कर लेता हूँ और ये फर्स्ट वेबसाइट को ही हम न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो सिटी है वो माउंटेन व्यू है और जो रीजन है वो कैलिफोर्निया है और जो कंट्री है वो यहाँ पर आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स नजर आ रही है। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब हम चेक कर लेते हैं इंटरनेट स्पीड, तो उसके लिए यहाँ पर आपके सामने देखिए लिखा हुआ नजर आ गया। तो यहाँ से मैं fast.com वाली वेबसाइट को ओपन करूंगा, जरा हमें क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप 1.2/7 3GB तक इंटरनेट स्पीड चली गई है। भाई गूगल क्लाउड की तरफ से ये फ्री RDP है, इंटरनेट के वाले से तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर आपको GB में ही इंटरनेट देखने को मिलता है। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब आपके पास आपकी फ्री RDP आ चुकी है, अब आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल Gmail के अकाउंट है तो आप मल्टीपल टाइम यहाँ पर अकाउंट बनाकर फ्री क्रेडिट हासिल करके इजीली RDP क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और ये लास्ट वीडियो आपने लाजमी से देखनी है। अगर आपको ChatGPT का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आपने लाजमी से ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है जाकर। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में न्यू मेथड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।